विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा देखने को मिला। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का मामला गरमाया। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। महंगाई का मुद्दा आज सदन में खूब गूंजा। विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई तरीके के आरोप भी लगाए गए और मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी गरमाया। दरअसल भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का मामला गरमाया और इसी को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सरकार बचना चाह रही है और एक तरह से कहना चाह रही है कि भगवानपुर में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाएंगे। आज सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा, मैंने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आज एक तरफ तो सरकार हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर रही है, लेकिन भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए स्वीकृत कराया था और जिसका शासनादेश 31 मार्च 2015 को हो गया था, 7 फरवरी को 2015 को सुरेंद्र राकेश जी दिवंगत हुए, उनके बाद में शासनादेश जारी हुआ। स्वर्गीय प्रकाश पंत जी भी 2017-18 के बजट भाषण में इस बात को लेकर के आए। उन्होंने भी इस बात के लिए कहा कि भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। कोविड में पहली लहर में और दूसरी लहर में हम लोगों ने जान का बहुत नुकसान उठाया है और वहाँ की स्थिति यह है कि आज वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ज़रूरत है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ कुंभ भी होता है और वहाँ कावड़ भी होती है। वहाँ लाखों में तादाद में लोग नहीं आते, वहाँ करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं कुंभ में, अर्धकुंभ में, विभिन्न पर्वों पर, और हर साल कावड़ होती है जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। तो वहाँ पर तो जितना भी मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो उतना ही कम है, तो वहाँ तो अत्यंत आवश्यक है आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज होना। तो अगर पौड़ी में 2 हो सकते हैं तो हमें हरिद्वार में भी 2 मेडिकल कॉलेज चाहिए। वही मेडिकल कॉलेज के मसले पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से बातचीत की है हमारे संवाददाता पंकज राणा ने, सुनते हैं। विधानसभा सत्र के चौथे दिन आज विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। पहला मुद्दा महंगाई का था, फिर भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को लेकर सदन के अंदर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष जी हैं, सर काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं लेकिन सरकार को जवाब नहीं दे। देखिए, हमारी सामान्य सदस्य ममता राकेश जी ने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया था और उसका उत्तर भाषण जो सरकार ने दिया उसमें कहा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जो है हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। वहीं दूसरी ओर मंत्री जी द्वारा सदन में इसके इतर जो है व्यक्त दिया गया जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। और कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है उसको बंद करने का काम ये सरकार कर रही है, इसका विरोध कांग्रेस कर। सरकार चाह क्या रही है भगवानपुर में, नहीं चाह रही कि अपने किसी विधायक के हमारे मेडिकल कॉलेज। देखिए, सरकार का ये कहना कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, मैं कदापि इससे सहमत नहीं हूँ। जब आप पौड़ी जनपद में 2 मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं तो हरिद्वार में क्यों नहीं खोल सकते। हमारे साथी ने सही कहा कि हरिद्वार तो बहुत ही संवेदनशील है, यहाँ पर कुंभ भी होता है, अर्धकुंभ भी होता है और हर वर्ष जो है कांवड़ यात्रा भी आती है और लगातार जो है वहाँ पर जो है मेले होते रहते हैं। नहीं देखिए, हमने वॉकआउट किया है, हम निश्चित रूप से अब कार्य स्थगन के हमारे प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पर जो है हम अपनी बात कहने सदन में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक उनकी बात नहीं मानेगी तब तक वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए देहरादून ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, आज भगवानपुर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा गूंजा है, सदन से कांग्रेस ने वॉकआउट भी कर दिया, ऐसे में सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया इस पर क्या रही और अब कांग्रेस की रणनीति इस पर क्या दिखाई दे रही है? जी देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल एक मुद्दा है, बहुत तार्किक मुद्दा है। एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की जाती है, एक शासनादेश किया जाता है 2015 में भगवानपुर में, जो हरिद्वार जिले का हिस्सा है।
जी। उस समय वहाँ से तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र राकेश होते थे, उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी वहाँ से दूसरी बार विधायक है। उन्होंने इस मुद्दे को आज उठाया था कि जब एक शासनादेश होने के बाद कुछ पैसे की भी व्यवस्था कर दी गई थी तो ये कॉलेज जगजीतपुर में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जहाँ से भाजपा के विधायक है वहाँ कैसे चला गया। उस पुराने शासनादेश को अतिक्रमित भी नहीं किया गया है और ये दूसरा मेडिकल कॉलेज वहाँ चला गया। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का सदन में ये कहना था कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज खोला जा सकता है। जैसा अभी विपक्ष के सदस्यों ने ये बात उठाई है कि पौड़ी जिले में दो मेडिकल कॉलेज हैं, एक श्रीनगर में, कोटद्वार में, तो हरिद्वार में क्यों नहीं हो सकता। तो इन दोनों सवालों का जवाब सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है और इसी मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। और ये जब संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज होगा, जब उनका जवाब बिल्कुल पूरी तरह से आ गया कि भगवानपुर का कॉलेज नहीं बनेगा, तो वो पूरा का पूरा विपक्ष वेल में आ गया, धरने बैठ गया और फिर उसने सदन से बहिर्गमन कर दिया। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू जिया ये इस बात को लेकर के एक सामने आया कि जब भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात ममता राकेश लगातार जो वहाँ से विधायक वो कर रही थी, तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इतना तो कहा कि वहाँ पर हम एक किसी PPP मोड में एक मेडिकल कॉलेज खुलवा देंगे और उसके लिए हमने एडवाइजर भी नियुक्त कर दिया है। तो मतलब ये बात एक बहुत रहस्यमयी बात है और ये बात आपकी कार्यशैली पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी है कि आप जो सरकारी कॉलेज था उसको हटा रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज को वहाँ पर लाने की आपकी मंशा है जो आपने सदन में जाहिर की है। तो इसी बात को लेकर के विपक्ष ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और जमकर हंगामा किया। जी जय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया और मेडिकल का मुद्दा उठाया गया, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आगे बढ़ेंगे, सदन के दौरान उठा कोविड से हुई मौतों का भी मामला। विधायक प्रीतम सिंह पवार ने इस मुद्दे को उठाया। कोविड से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद की मांग भी की गई, 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। तो सबसे पहले भगवानपुर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठा और उसके बाद कोविड से हुई मौतों का भी मुद्दा उठाया गया। कोविड से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने की मांग की गई और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग सरकार से की गई है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और इसी कड़ी में कोविड से हुई मौतों का मामला भी सदन में उठाया गया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने मुद्दा उठाया, उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा उन्होंने मुद्दा उठाया। महाविद्यालयों में तैनात किए गए 253 गेस्ट टीचर को ना हटाने की उन्होंने मांग की है। इसके साथ ही साथ कोरोना के समय 34 गेस्ट टीचर को हटा दिया गया था, इस मुद्दे को भी उन्होंने सदन के पटल पर रखा। नौकरी से हटाए गए 34 गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति मिलेगी, धन सिंह रावत ने इस बात का भरोसा दिया जब इस मुद्दे को उठाया गया। तो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह भरोसा दिया है कि 34 गेस्ट टीचर को नियुक्ति भी मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष ने मांगी वात्सल्य योजना से लाभान्वित बच्चों की जानकारी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत वात्सल्य योजना की सही जानकारी नहीं दे पाए, जिस पर काफी हंगामा देखने को सदन में मिला। टिहरी जिले में 92% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उस बात की जानकारी नहीं दी। जब सवाल पूछा गया कांग्रेस की तरफ से कि वात्सल्य योजना के तहत कितने बच्चों को इसका लाभ मिला है, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी कार्यवाही शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कांग्रेस के तमाम विधायक महंगाई के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंच गए। कांग्रेस ने सरकार पर महंगाई पर अंकुश ना लगाए जाने का आरोप लगाया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब साइकिल से तमाम नेता पहुंचे, साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और ऐसे में महंगाई का मुद्दा उठाया गया। महंगाई के विरोध में विपक्ष ने साइकिल लेकर सदन तक यात्रा की और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध जाहिर किया गया। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है पूरी तरीके से महंगाई के मुद्दे को लेकर, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। आप देखेंगे कि आज कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर साइकिल से आए हैं महंगाई के विरोध में। सीधे तौर पर विरोध है कि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उन कीमतों के बीच जो है महंगाई पर सरकार कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पाई और एक यही वजह है कि पूरी तरीके से आज महंगाई अपने चरम पर है। तो जहाँ आज
चौथे दिन सदन के भीतर कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। वहीं सड़क से ही महंगाई के मुद्दे पर ये रार शुरू हो गई है और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं, जो कि साइकिल से यहां पर पहुंचे हैं और साइकिल से यहां पर महंगाई का विरोध आज वो अपना जता रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर आप साइकिल से यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, महंगाई को लेके लगातार जो है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हाहाकार मच चुका है और उसी को लेके आज हम नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में आज जो है सदन तक जा रहे हैं और पुलिस ने जबरदस्ती हमें रोकने का प्रयास किया है। इससे लग गया है कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल सर, आज महंगाई के मुद्दे पर सड़क से सदन तक। देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड और देश के लोगों से वादा किया था, यदि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई अपने चरम पर है। इसलिए कांग्रेस के लोग आज सदन के अंदर भी इस विषय को उठाने का काम करेंगे और साइकिल के माध्यम से आज हम विधानसभा आए हैं। बिल्कुल, आज जो महंगाई का मुद्दा है, साइकिल से आप लोग पहुंचे हैं, ये विरोध है, क्या सदन के भीतर भी आज इस मुद्दे पर चर्चा रहेगी? किस तरीके सरकार को घेरने की कोशिश रहेगी? आज हम 310 में महंगाई को लेकर हमने जो है स्थगन आदेश लगाया है और क्योंकि जब भाजपा सरकार बनने से पहले सर पार्टी ने वादा किया था भाजपा ने कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन 100 दिन में कम करने की बजाय इन्होंने बेतहाशा वृद्धि की है डीजल और पेट्रोल के दाम में। जो एक गरीब का देसी तेल, जो देसी घी के रूप में प्रयोग करता है गरीब व्यक्ति, उसके दाम भी बेतहाशा बढ़ गए, दालों के दाम बेतहाशा बढ़ गए। आज गरीब खाने से मोहताज है, आज आम आदमी की जेब में इन्होंने डाका डालने का काम किया है। तो गैस, जो उज्ज्वला गैस के नाम पे इन्होंने कहा कि हम फ्री बांटेंगे, लेकिन जब उन पर भराने के लिए पैसे नहीं होंगे, 900 रुपये का सिलेंडर जो 350 या 400 रुपये का सिलेंडर होता था, वो आज 900 रुपये का सिलेंडर है, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। हम आज साइकिल के से विधानसभा आए हैं, ये सांकेतिक हमने विरोध किया है और इसको महंगाई को कम किया सरकार, ये उसको चेताना चाहते हैं। तो ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष सरकार पर महंगाई के मुद्दे को लेकर हमलावर है, साइकिल से महंगाई का विरोध विपक्ष ने जताया है। सदन के भीतर भी नियम 310 के तहत आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष मांग करेगा और सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश करेगा। अपने सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि केंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, सदन में उठा आशाओं को मिलने वाले मानदेय का मामला। कांग्रेस विधायक राजकुमार ने ये मुद्दा उठाया, आशाओं को मिलने वाले मानदेय का मामला उठाया गया कांग्रेस विधायक की तरफ से और कांग्रेस ने सरकार से आशाओं को सम्मानजनक मानदेय देने की मांग की है, क्योंकि कोरोना के दौरान आशाओं ने फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर काम किया था और ऐसे में उन्हें उचित मानदेय मिले, इस मुद्दे को उठाया गया कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस विधायक राजकुमार ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान जिस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं ने काम किया, उन्हें उचित मानदेय जरूर मिलना चाहिए। 2022 का चुनाव करीब आते ही कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अल्मोड़ा पहुंचे। और वहां पर उनका स्वागत किया गया। गणेश गोदियाल ने कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर हो रही बयानबाजी पर कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता चेहरा है। अगर चेहरे की अगर बात करें तो क्या ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाता है कि किसके चेहरे पर चुनाव, हम ही को क्यों ये प्रश्न पूछा जाता है? कांग्रेस एक है और कांग्रेस के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी जी के समय जो विकास के कार्य किए, हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जो विकास के कार्य किए, वो विकास के कार्य ही हमारे चेहरे हैं, वही हमारी पहचान है और लोगों को उन कामों पर भरोसा है, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पर लोगों को भरोसा है और उसी भरोसे के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। और अब खबर चंपावत से है। चंपावत में आज भी नहीं खुल पाया नेशनल हाईवे। बता दें आपको कि नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम चल रहा है और 23 अगस्त को हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ था। हाईवे को खुलने में अभी भी 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। स्वाला में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार इस रास्ते को खोलने की कवायद जारी है। कल हम लोग गए थे, केवल 50 मीटर भी क्लियर हो पाया था, 150-200 मीटर भी साइज से, तो अभी संभवतः और 2-3 दिन लग सकते हैं। के टपकेश्वर महादेव मंदिर के बीच पानी का तेज बहाव देखने को मिला। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है।
वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में भी जल भराव और यहां से बहने वाली नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम भी हो रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लगातार लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर इस वक्त जल भराव की स्थिति है। और अब खबर विकास नगर से है, जहां विकास नगर में सैलाब में दो युवक फंसे। सारना नदी में अचानक बाढ़ में युवक फंस गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सेलाकुई पुलिस ने दो व्यक्तियों का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सारना नदी में अचानक पानी बढ़ने से ये दोनों फंस गए थे। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सकुशल तेज बहाव से बाहर निकाला, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, ये दोनों युवक अचानक तेज बहाव होने की वजह से फंस गए। हालांकि इन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रस्सी के माध्यम से दोनों का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस ने किया। वहीं पिथौरागढ़ में सड़कों की खस्ता हालत को देखकर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ सड़क खस्ता हाल में है तो वहीं दूसरी ओर जल संसाधन की नलों से सड़क पर खुले में पानी बहता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यूकेडी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। दरअसल पानी के बहाव को लेकर प्रदर्शन किया गया है कि यहाँ पर सड़कों की हालत खस्ता है और सड़कों पर पानी बहता जा रहा है। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके में इन दिनों गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। गुलदार के आतंक की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। एक गुलदार देर रात रिहायशी इलाके में आता है। इस दौरान वो एक डॉगी के ऊपर अटैक करता है और फिर डॉगी का शिकार कर उसे अपने साथ जंगल ले जाता है। लोगों ने जब से ये सीसीटीवी फुटेज देखा है, दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि इस गुलदार को पकड़ा जाना चाहिए ताकि ये किसी इंसान पर अटैक ना करे। वहीं पौड़ी में छात्रों को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए जा रहे हैं और इस ट्रेनिंग के मकसद से छात्राओं को मंचलों से खुद की आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है, जिससे कि छात्राएं मंचलों को सबक सिखा सकें।